देश के नामी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर ठुकरा दिया है। कई दिनों से पीके के कांग्रेस ज्वाइनिंग को लेकर सियासी बाजार गर्म था, लेकिन आखिरकार सस्पेंस से पर्दा उठ गया। कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के ऑफर को ठुकरा दिया है और वो पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के इस ऑफर को ठुकरा दिया। दरअसल प्रशांत किशोर ने ट्वीट में लिखा कि मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मेरी विनम्र राय है कि पार्टी को मुझसे ज्यादा उसे नेतृत्व और सुधारों के साथ सांगठनिक समस्याओं को दूर करने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस में गहमा गहमी चल रही थी और ये माना जा रहा था कि जल्द ही पीके कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस के ऑफर को ठुकराते समय प्रशांत किशोर पार्टी की कमियां भी बता गए। पीके का मानना है कि कांग्रेस में अभी बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, यहां तक कि वो खुद इसके लिए अपने आप को कम मान रहे हैं। उनका मानना है कि पार्टी में नेतृत्व के अलावा बहुत कमियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। बता दें कि कई दिनों से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा गर्म थी। इतना ही नहीं, हाल ही में प्रशांत किशोर ने 2024 के आम चुनावों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के सामने एक प्रेजेंटेशन भी पेश किया था। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक समिति बनाई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी और सोनिया गांधी को इस पर अंतिम फैसला करना था। फिलहाल पीके की कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने पर अब सस्पेंस खत्म हो गया है।